क्वेश्चन नंबर 48, एक स्प्रिंग दिया हुआ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, वो कंप्रेस्ड है 5 सेंटीमीटर जो है कंप्रेस्ड है, एक ब्लॉक रखा हुआ जिसका मास जो है 100 ग्राम है और ये जो ब्लॉक है 2 मीटर की हाइट पे है। यदि स्प्रिंग को रिलीज कर दें तो ये जो ब्लॉक है वो फ्री एंड से इस वाले पॉइंट से कितनी दूर जाके फॉल करेगा, ओरिजेंटली कितनी दूर जाके फॉल करेगा ये हमें बताना है। तो हमें इसकी पहले हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, फिर ये क्या हुआ ओरिजेंटाइल प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा। तो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और फाइनली इसकी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर या यू वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। V की वैल्यू किसके बराबर होगी, K अपॉन M अंडर द रूट इनटू X, K की वैल्यू जो है 1000 है, M की वैल्यू जो 100 ग्राम है तो 1 upon 10 kilogram, सॉरी ये 100 है अंडर द रूट, ये किसके बराबर हो जाएगा 10000 अंडर द रूट इनटू X, X की वैल्यू जो है वो किसके बराबर 5 सेंटीमीटर, 1 upon 20, यहाँ भी 1 upon 20। अब ये ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है जिसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे कितनी है, वी के बराबर है। तो टाइम निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना वो किसके बराबर होगा, वी इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कितना है, जीरो है। तो वी हमें पता, टाइम पता चल जाए, टाइम हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से निकलता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी इधर है, वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन को, इसको नीचे ही डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, ए वाई किसके बराबर होगा, प्लस जी के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना है, टू है। तो फार्मूले लगा देते हैं, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ये टू था, इजिकल टू 1/2, जी को 10 ले लेते हैं, इंटू टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 upon √10 इसके बराबर हो जाएगी। एक्स निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी, वी निकाला था हमने 1000 इंटू 1 upon 20, वो किसके बराबर है, 2 upon √10 इसके बराबर है। तो इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, उसमें से 10 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 upon 20, तो 1 मीटर जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये फ्री एंड से ओरिजेंटली ये वाली जो डिस्टेंस है एक्स वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है।